मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में आसाम में रात्रि के दौरान से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आसाम में रात्रि के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक मजबूत पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी होने की भी संभावना है। 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से 1 और 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। 1 मार्च को पश्चिमी राजस्थान, 2 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश पर अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। आने वाले 4 दिनों के दौरान मजबूत मौसमी प्रणाली के चलते देश के एक बड़े हिस्से को कवर करेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज गति से हवाएं चलने की भी आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में 1 और 2 मार्च को गरज के साथ बारिश होगी। इसी दौरान तेज गति से हवाएं भी चल सकती, आंधी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान राज्य के भी ये जिले होंगे प्रभावित। राज्य में 1 मार्च से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो जाएगा। राज्य में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, चूरू, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बादल गरजने, बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने, आंधी तूफान जैसी हालात बनने की संभावना भी जताई गई है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी गरज चमक के साथ में बारिश। वहीं चंबल संभाग के जिले शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। बिहार राज्य में भी 1 मार्च से उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर मध्य, दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी गरज और चमक के साथ बारिश। 1 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश हो सकती। 2 मार्च की सुबह तक इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, वहीं 3 मार्च तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।